हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 4, और इसके अंदर हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। हालांकि पिछली बार भी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था, उसमें एक न्यूमेरिकल तक हो पाया था। अब हम चलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बेटा इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? हमारा स्लोप निकालना और एरिया निकालना। ठीक है, अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ होगा क्या। ठीक है, तो हम बेटा ऐसा समझते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी एक वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, मान लिया हमने कि यहां पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, और फिर उसके बाद में तीसरे पॉइंट पर पहुंचा तो मान लिया हमने 6 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो पोजिशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों देगा। ठीक, अब अगर हम यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो हर जगह एक्सेलरेशन हमारा कितना है? 4 में से 2 गया, तो बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 6 में से 4 गया तब भी कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमको मालूम चला कि यहां से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अपनी वेरिएबल वेलोसिटी लेके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आ रहा है। क्या है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहां पर। क्या है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन हो और पोजीशन टाइम ग्राफ हो। ठीक है, तो हम बनाते हैं बेटा यहां पर एक पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो मैंने मान लिया ये हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें दोनों चीजें देगा, एक तो वेलोसिटी भी देगा, दूसरा एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अगर देखिए बेटा ये ग्राफ हो मान लो ऐसे करके गया था, है ना, हम पिछली बार हम यहां तक पहुंच गए थे, हमने मान लिया ये कोई पॉइंट है। ठीक है, इसको हम दे देते हैं एक्स और इसको हम दे देते हैं टी। एक्स हमारा मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में है। ठीक है साहब, तो अब ये कहना चाह रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यहां पर इसकी कोई पोजीशन होगी, इसको हमने मान लिया एक्स वन, और इस एक्स वन पोजिशन पर इसका टाइम कितना आया बेटा? टी वन आया था। और यहां पर देखें तो इसकी जो पोजिशन होगी वो होगी एक्स टू। ठीक है, और यहां पर जो टाइम आया वो होगा हमारा टाइम टी टू। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी स्लोप जो होगा, इसका स्लोप दोनों चीजें रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है बेटा? चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, और चेंजिंग इन वेलोसिटी हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो जब हमें इसकी पोजीशन यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो वी एवरेज इक्वल टू कितना निकाल लेंगे हम? एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये रहा हमारा वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला कि हम इससे एवरेज वेलोसिटी इसकी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी इस तरह से निकालते थे। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर, अगर हमने एक स्लोप ड्रॉ करा, मान लीजिए ये हमने स्लोप ड्रॉ करा था। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा, इस स्लोप का ये थीटा, ठीक है, ये जो थीटा होगा हमें ये क्या दे देगा बेटा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हमें पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ पर कितने ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन से ग्राफ हम इसके ऊपर बना सकते हैं? सबसे पहली चीज पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा किस तरह से मोशन करे। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ लें यहां पर तो हमारे जो ग्राफ बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो ग्राफ हमारा बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे। ठीक है, और दूसरी दूसरा पोजीशन, दूसरा ग्राफ होगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। किसका बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है हमारा जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो। तीसरा आएगा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो हम यहां पर बनाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके लिए भी हमें ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। सारी चीज हम पोजीशन टाइम ग्राफ से ही देखेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी चीज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ हम ये लेते हैं, यहां पर हमने बनाया बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाया बेटा? पोजीशन टाइम ग्राफ। और इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लिखते हैं बेटा एक्स टी से। इतना तो हमारा क्लियर है। ठीक है, अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ पर बेटा डिफरेंट डिफरेंट हमारे ग्राफ बनाने हैं हमको। क्या बनाने? डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हमें मान लो बनाने थे। ठीक,
तो पोजीशन टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ का दूसरा ग्राफ हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा मान लो तीसरा ग्राफ, और भी देखेंगे, फिर हो गया उसके बाद हमारा चौथा ग्राफ मान लो यहाँ पर, ठीक है, चौथा ग्राफ, फिर दूसरा बनाना है हमें पांचवा, और भी ग्राफ बनाने मान लो, ठीक। अब चला चलते हैं, सबसे पहली चीज, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होगा तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ मीटर डिस्टेंस चल गया होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कुछ मीटर डिस्टेंस चल गया, अब हमने इस एक्सिस पर मानना है टाइम, मान लो टाइम यहां पर T1 है, यहां पर टाइम T2 है, और यहां पर टाइम हमारा T3 है, क्लियर हो गया। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में सबसे पहली चीज, अगर हमें ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है तो पोजिशन ग्राफ जो है हमें कैसे मिलेगा बेटा, ऑब्जेक्ट मान लो हमारा रेस्ट पर है, ठीक है, तो पोजिशन टाइम ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर। फिर दूसरी चीज है, अगर हम यहां पर लेके हमारा दूसरा ग्राफ मान लो इस तरह से आया, ठीक है, और फिर उसके बाद में मान लिया हमने कि तीसरा ग्राफ हमें यहां से मिला इस तरह से, क्लियर, फिर चौथा ग्राफ भी हमारा मान लिया हम कुछ मिला होगा आपको, ठीक है, मान लो हमारा चौथा ग्राफ हमें ऐसे मिला, ठीक है, चौथा ग्राफ हमें मान लो इस तरह से मिला, ठीक है, और पांचवा ग्राफ मान लो हमारा इस तरह से पोजिशन टाइम ग्राफ पे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे ग्राफ है, मैक्सिमम ये पांच ही ग्राफ होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या क्या देगा ये हमें याद रखना है, वेलोसिटी भी देगा और एक्सेलेरेशन भी देगा। वेलोसिटी यानी कि एक्सेलेरेशन हमें कब मिलेगा, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड ग्राफ हो, और हम जानते हैं स्लोप अगर हमारी पॉजिटिव होगी तो वैल्यू बढ़ रही है, और अगर स्लोप हमारी नेगेटिव है तो वैल्यू इसका मतलब घट रही है। और जीरो स्लोप हमें क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा उसकी पोजिशन अगर पोजिशन टाइम ग्राफ पर लेंगे तो रेस्ट पर है, दूसरा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर हम लेंगे तो उसका वो क्या बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वहां पर एक्सेलेरेशन जीरो होता है। चलिए अब जरा आते हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ हमने यहां पर बना रखा है, तो पहला ग्राफ हमें क्या बताएगा, पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, कहां पर है बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कब है बेटा रेस्ट पर, जब पोजीशन टाइम ग्राफ पे हमें इस तरह का कुछ भी ग्राफ मिले तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है बेटा रेस्ट पर है। ये ग्राफ हमारा नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इस तरह से अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हमें मिल रहे हैं तो पहला ग्राफ का जो केस है वो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, ठीक है। अब दूसरी चीज है, दूसरी चीज, दूसरा ग्राफ पे मान लो हम ये बताएंगे ये है क्या, सबसे पहली चीज ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से बढ़ता हुआ, तो हमें समझ जाना है कि इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इस वाली इक्वेशन से, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो यहां से जो एक्स का फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के स्क्वायर के, ठीक है, टाइम के स्क्वायर के। तो याद रखना बेटा अगर हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिले तो हमें स्लोप बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है हमें, स्लोप ड्रॉ करना है, स्लोप, ठीक है, हमको मालूम चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ठीक है, ये स्लोप हमें बता देगा कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप से हमने मान लिया यहाँ पर थीटा ए, ठीक, इस पॉइंट को हमने मान रखा है ए और ये है हमारा थीटा, तो हमें मालूम चला कि थीटा ए का स्लोप, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हमने यहाँ पर देखा तो ये है हमारा थीटा बी, क्लियर, तो हमको मालूम चला कि किसका स्लोप ज्यादा है, तो हमारा थीटा बी का स्लोप ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब है मतलब स्लोप जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर तो हमको मालूम चलेगा यहाँ पर क्या है बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी है, कैसी वेलोसिटी है बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, क्या है बेटा, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, यानी कि ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी है, उसके बाद में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। अब आते हैं बेटा थर्ड ग्राफ पे, कहां पर बेटा, थर्ड ग्राफ पर, एक्स टी, तो सारी चीजें वैसी रहेंगी इसकी, बस हमको एक चीज याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर चलना स्टार्ट हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमको ये दे देगा इनिशियल वेलोसिटी यू, क्या दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी यू। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम स्लोप देखेंगे, तो जैसे जैसे हम स्लोप बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि स्लोप की वैल्यू जो है बढ़ रही है, क्या हो रहा है बेटा, स्लोप बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा स्लोप बढ़ेगा तो हमको समझ जाना है क्या है बेटा, इंक्रीजिंग स्लोप है, तो यहाँ भी क्या है बेटा, यू की वैल्यू जीरो नहीं है, और एक्सेलेरेशन आपका कैसा है बेटा, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन है, कैसा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, यानी कि एक्सेलेरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, यहाँ पर यह भी क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, पहले केस के अंदर क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, रुका हुआ है, ठीक है।
चलो अब आते हैं बेटा थर्ड ग्राफ पे, ठीक है। तो थर्ड ग्राफ हमें क्या बताएगा, मैं थर्ड को करता हूं इस साइड पे, ठीक है, इस साइड कर लिया मैंने थर्ड ग्राफ, ठीक। मान लीजिए ये है हमारा थर्ड ग्राफ, हमको पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड ग्राफ के ऊपर किस तरह से मोशन कर रहा है, कि इस तरह से, क्लियर। तो हमको एक चीज पता चलेगी कि यहां पर बेटा क्या होगा, हमें हर पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो हमको मालूम चला कि यहां पर स्लोप कम है, ठीक है, यहां पर स्लोप ज्यादा है। फिर हमने इस वाले पॉइंट पर निकाला तो हमको मालूम चला कि इधर स्लोप ज्यादा हो गया। तो यानी कि यहां पर क्या है बेटा, ए, और इस पॉइंट पर है बी। तो ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड ग्राफ है, ठीक है। क्या है बेटा, वी आपकी कैसी होगी, वेरिएबल होगी, कैसी होगी बेटा, वेरिएबल, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन है क्या बेटा, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है। अब जरा आइए इसके ऊपर, यहाँ पर एक चौथा ग्राफ, इस वाले ग्राफ को पहले देखिए, ठीक है। तो बेटा इस वाले ग्राफ में क्या है कि ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि सडनली ब्रेक वाला ग्राफ है। क्या है बेटा, सडनली ब्रेक वाला। तो सारी चीजें बेटा कौन सी है बेटा, इसके अंदर वी कैसा है आपका, वी है आपका वेरिएबल, कैसा है बेटा, वेरिएबल। और एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कैसा मोशन चल रहा है बेटा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। ये हमने ग्राफ देख लिए कि हमारे यहाँ पर छह ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ हमने कौन सा देखा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। फिर हमने कौन सा देखा, ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ जीरो से, फिर लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन था। फिर उसके बाद में तीसरा ग्राफ हमने क्या देखा, तीसरा ग्राफ के अंदर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेस्ट पर होकर कुछ वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया है और रिटार्डेड एक्सेलरेटेड मोशन है। चौथे ग्राफ के अंदर आए तो चौथे ग्राफ के अंदर क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इनिशियली स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, ठीक है। लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी है, रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ये भी कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, बट ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी रही होगी जब वो चला होगा। यानी कि दो ट्रेन अगर मान लो आपस में आ रही है और उन्होंने एक दूसरे से ब्रेक मारा, देखे तो हमने मान लिया एक का ग्राफ बनाया, तो पहले का ग्राफ ऐसा होगा, दूसरे का भी ऐसा ही होगा, क्लियर हो गया। अब जरा आइए ये ग्राफ क्या कहता है, ये ग्राफ है हमारा पोजिशन टाइम ग्राफ के ऊपर। इस ग्राफ को हम बोलते हैं बेटा इम्पॉसिबल ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, इम्पॉसिबल ग्राफ। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर टाइम है, ऑब्जेक्ट चला, तो ऑब्जेक्ट का सेकंड तो वही है और स्पीड एकदम उसकी डिस्टेंस को कवर करता चला रहा है, टाइम उसके लिए रुक गया। तो ऐसा ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए पोजिशन टाइम ग्राफ पे एक ग्राफ और आता है, ठीक है। पोजिशन टाइम ग्राफ पे मान लो एक तरीके का ग्राफ और है, ठीक है। क्या मान लिया कि हमने ये पोजिशन टाइम ग्राफ है हमारा, ठीक, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ पे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक। और अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, क्या मिली है बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो हमें समझ जाना है यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब ये कहानी चलती है, ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। अगर इस तरह से ढलान वाला ग्राफ आ जाए तब भी हमें समझ जाना है कि ये कैसा है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा पोजीशन टाइम, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, उस वाले ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। तो चलते हैं बेटा, इसका एरिया कुछ नहीं देता यहाँ पर, और समझने बेटा, इसका एरिया हमें कुछ नहीं देता। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया कुछ नहीं देता है, एरिया कुछ नहीं देगा। किसका एरिया कुछ नहीं देगा, तो एरिया किसका नहीं देगा बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा। कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने इसको बताया था कि क्यों नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। कौन सा ग्राफ है बेटा आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हमें स्लोप भी देगा, ठीक है, स्लोप और एरिया दोनों चीजें ये निकलवाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। क्या निकलवाएगा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहला बेटा हमने बनाया मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब देखिए इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ठीक, तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप होगा, ठीक है, तो स्लोप हमारा मान लीजिए है थीटा, और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक। फिर उसके बाद में हमें क्या देगा, रिटार्डेशन देगा। क्या देगा बेटा, रिटार्डेशन।
और रिटार्डेशन के बाद में हमें क्या देगा, इसका स्लो वेलोसिटी भी देगा। ठीक, ये बेटा यूनिवर्सल ग्राफ है, इस ग्राफ से हर चीज बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया? तो स्लोप हमारा एक्सेलरेशन भी देगा, रिटार्डेशन भी देगा, वेलोसिटी भी देगा। चलिए बेटा, तो हम बात करते हैं इसके स्लोप की। तो हमने बनाया ये पहला ग्राफ, और ये बनाया दूसरा ग्राफ, और ये बनाया हमारा तीसरा ग्राफ। क्लियर हो गया? चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया बेटा किस इक्वेशन से जाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से बनाया जाता है। ठीक है, और u प्लस ए टी और u माइनस ए टी भी होता है रिटार्डेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इसका पॉजिटिव स्लोप लिया मैंने v और t, मान लो यहां पर ये बना दिया, तो इसका जो पॉजिटिव स्लोप होगा, मान लो हमारा ऐसा है, ठीक, ये है हमारा पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप आपको क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन। और पोजीशन टाइम ग्राफ पे यहां पर जो हम ये ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये होता है बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बेटा? वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब उसके बाद करते हैं रिटार्डेशन की। तो ये ग्राफ जो होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, नेगेटिव स्लोप क्या देगा बेटा? नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप आपको क्या देता है? नेगेटिव स्लोप देता है आपको रिटार्डेशन। क्या देता है? रिटार्डेशन, जिसको हम हिंदी में मंदन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले चढ़ रहे हैं, उसके बाद में उतर रहे हैं, या चढ़ रहे हैं फिर लुढ़क रहे हैं। ठीक है, अब आइए जरा ये वाला ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बनाया हमने वेलोसिटी और ये बनाया टाइम। मान लो यहां पर कुछ मीटर वेलोसिटी रही होगी, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी क्या है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट। रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये है जीरो स्लोप। क्या है? जीरो स्लोप। ये वाला कैसा था बेटा? ये नेगेटिव था, और ये वाला स्लोप कैसा था बेटा? पॉजिटिव स्लोप था। ठीक है, और ये है हमारा जीरो स्लोप। क्या है बेटा? जीरो स्लोप। तो जीरो स्लोप आपको क्या देगा? जीरो स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। क्या देगा बेटा? यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। बाद बाकी सारे ग्राफों के अंदर क्या था, यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है, इधर भी वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर? चलिए अब आते हैं जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें ये तीन चीजें तो देता है, स्लोप के बारे में हमने पता कर लिया। इसका एरिया हमें क्या देगा? तो बेटा इसका एरिया डिस्टेंस भी देता है हमको। क्या? डिस्टेंस देता है, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी देता है। ठीक, तो अभी एरिया से रुक के पहले कुछ और यहां पर बात कर लें। ठीक, मान लिया मैंने ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्लियर? और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम जानते हैं स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ये ग्राफ आपको क्या बताएगा? ये वाला ग्राफ आपको क्या बताएगा? तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप तो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन ही देगा, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी इसका। क्लियर हो गया बेटा? अब जरा बात करते हैं एरिया। तो बेटा एरिया हमें क्या देता है? एरिया हमें डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी देगा। तो मैंने सपोज कर लिया, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना होगा? तो सपोज करा मैंने, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट कैसा बड़ा बेटा, सबसे पहली चीज देखो। ठीक, तो इसका एरिया हम निकालेंगे। मान लो यहां तक कुछ वेलोसिटी रही, फिर उसके बाद में उसकी कुछ नेगेटिव वेलोसिटी हुई, ठीक है, फिर उसके बाद वो नीचे गया, फिर इसके बाद वो इस तरह से गया। तो हमने मान लिया कि एरिया वन, मान लो इसको मान लेते हैं हम एरिया वन, और इसको मान लेते हैं एरिया टू, और यहां पर हम मान लेते हैं बेटा एरिया थ्री, और यहां पर मान लेते हैं एरिया फोर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, किससे बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्या बेटा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चारों एरिया का सम कर देते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ठीक है, ऊपर वाले एरिया को जो पॉजिटिव की तरफ है उसको पॉजिटिव रख देंगे, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, और जो नीचे वाले हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के और भी ग्राफ होंगे, ठीक है, और भी ग्राफ होंगे, उनको हम क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या है ना, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम दोनों इससे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया मैंने, मान लो ये है अपना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक। तो बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है भैया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लिया। तो बेटा इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया, ठीक है, हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। और इसका स्लोप, स्लोप, स्लोप हमको क्या देगा बेटा, या तो जर्क देगा या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है साहब, जर्क देगा, वेलोसिटी देगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा, क्लियर। एक्सेलरेशन कैसे देगा, मान लो, ठीक है, ये हमारा पहला ग्राफ है, ये अगर जीरो स्लोप है इसका, क्या है बेटा, जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, तो जीरो स्लोप हमें क्या देगा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ाया, हाँ पढ़ा दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, जीरो स्लोप इसका क्या देता है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है। अगर मान लो ग्राफ ऐसे करके है, ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, तो ये सारे ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें जर्क दे देगा। क्या देगा बेटा, जर्क। और जर्क को हम क्या लिखते हैं, डी क्यूब एक्स अपॉन डी टी क्यूब, ठीक, ये हमारा जर्क होता है। जर्क हमारे सिलेबस में है नहीं और हमें इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्लोप निकाल लिया, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। तो बेटा इसका एरिया जो होगा, एरिया मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना ये, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमको क्या दे देगा बेटा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। चलिए मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होंगी उसमें हम मिलते हैं, ठीक है।